गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. दिस इज चैप्टर नंबर 5, एक्सपोनेंट्स फ्रॉम योर बुक. नाउ सी क्लास, एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट. सी क्लास, एक्सपोनेंट आई हैव रिटन द डेफिनेशन. नंबर ऑफ टाइम्स आवर नंबर इज repeatedly multiplied by itself is called exponent. Means number of times or number is repeatedly multiplied by itself is called exponent. Means class कोई भी number है वो अपने आप से कितनी बार multiply हो रहा है. Number of times कितनी बार और number is repeatedly multiplied, वो एक ही number अपने आप से कितनी बार multiply हो रहा है उस number को कहते हैं, उस number of times को कहते हैं एक्सपोनेंट. जैसे देखिए क्लास, जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, टू इज मल्टीप्लाइड हियर 7 टाइम्स, 2 × 2 × 2. तो यहाँ पर 2 जो है 7 टाइम्स रिपीटेडली मल्टीप्लाई हुआ है. तो जो आपका नंबर है 7 टाइम्स, तो 7 इज द एक्सपोनेंट. एंड व्हाट इज द बेस? अ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ रिपीटेडली. जो नंबर अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई होता है वो नंबर क्या कहलाता है? बेस. देखिए क्लास, तो जो जैसे आपका 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है 7 टाइम्स, तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? 2 raised to the power 7. तो ये जो है आपका 2 raised to the power 7, यहाँ पर जो 7 है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा. और इसके अदर नेम्स होते हैं इंडेक्स या फिर पावर. और 2 जो है आपका वो बेस नंबर कहलाता है. मीन्स क्लास को और थोड़ा ध्यान से देखिए. देखिए क्लास, जब आपने 2 को प्लस किया 7 टाइम्स, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? 2 × 7. तो इसको सॉल्व करें या इसको, आपको इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14. बट व्हेन 2 इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड, 2 बार बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 2 raised to the power 7. देखिए क्लास, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए. सपोज मैं 3 का एग्जाम्पल लेती हूँ. 3 × 3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार? 2 टाइम्स. तो ये हो गया 3 raised to the power 2. तो ये जो फॉर्म है ये, दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसमें ये 2 है आपका एक्सपोनेंट और 3 है आपका बेस. और इस एक्सपोनेंट फॉर्म की या इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9. 3 × 3 = 9. ये 3 × 3 इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी. एक एग्जांपल और देखिए, मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रही हूँ, उससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे. ये 3 raised to the power 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. तो क्लास, यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखना है, हमें उसको प्लस में ही करना है, हमें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है. और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 9 और ये 9, यानी कि 81. तो ये है आपका एक्सपोनेंट, ये है बेस. बेस क्या है? वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है. एक्सपोनेंट जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. और ऑल टुगेदर वो क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म और ये है उसकी वैल्यू. मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो है उसकी वैल्यू. एक चीज का क्लास ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी ये लाइंस हैं इस तरीके से, तो जैसे आपने 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इतने ब्लॉक में आपने जैसे 3 लिखा है, तो बिल्कुल ऊपर भी नहीं और उसके आगे भी नहीं, उसके कॉर्नर में आपको एक्सपोनेंट लिखना होता है. एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स और पावर भी बोलते हैं. और इस नंबर से थोड़ा छोटा लिखते हैं, ऑलमोस्ट आप हाफ भी कह सकते हैं. तो जैसे 3 की पावर 3 मैं इस तरीके से लिखूंगी. तो ये आपका लिखने का प्रॉपर तरीका है, इस पर आप ध्यान रखिएगा क्लास. अब देखिए, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. और ये नंबर जब आपको दे रखा है तब ये तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दे रखी है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया. एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वैल्यू भी लिख सकते हैं. पर कुछ आपको क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर आपको नंबर दे रखा होता है और उनसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी होती है, ये नहीं दे रखा होता है. तो इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे और क्या, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. अच्छा, अब क्लास कुछ चीजें हैं. देखिए,
अब अगर आपका जो आपका नंबर है उसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है, सपोज जैसे ये पॉजिटिव था तब आपका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आंसर आ गया। अब सपोज आपका -3 हो क्लास, -3 को आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्लास सबसे पहली बात तो आपको ब्रैकेट जरूर यूज करना है। अब -3 की पावर आप 2 लिख देंगे वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी आप पावर लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 × -3 इज +9, मीन्स ये जो वैल्यू है इसकी आंसर पॉजिटिव होगा, बट इन केस ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सब सो -3 raised to the power 3 इसकी वैल्यू कितनी होगी, -27। सेम वे -3 × -3 × -3 × -3 दिस विल बी -3 की पावर 4, दिस विल बी 81। एंड इफ वी राइट -3 × -3 × -3 × -3 हाउ मेनी टाइम्स, 5 times, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 243 माइनस है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड क्लास, अगर आपका नंबर कोई भी निगेटिव नंबर है, मीन्स अगर आपका निगेटिव नंबर है, मीन्स ये है आपका निगेटिव नंबर है जहां पर आपका, और इसकी पावर है, अब एन अगर आपका ऑड है, ये ऑड है, इसकी पावर क्या है ऑड नंबर में, तो आंसर आपका क्या आएगा, निगेटिव। एंड इफ द पावर इज इवन तब आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। वैल्यू वही सेम रहेगी लेकिन आंसर वो वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव होगी डिपेंडिंग अपॉन द पावर, कि उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो ऑड है या इवन है। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में निगेटिव और इवन नंबर ऑफ टाइम्स में पॉजिटिव, ये नंबर के इवन और ऑड होने से फर्क नहीं पड़ता, जो पावर है वो इवन है या ऑड है इससे आपको फर्क पड़ेगा। मैंने आपको जो चीज एग्जाम्पल से अच्छे से बता दी, तो आई होप क्लास आप एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म और इनकी वैल्यूज आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है क्लास, लेकिन ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है क्लास आपके लिए, तो थोड़ा सा आप जो है इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्लास।